क्या आप इस स्वादिष्ट केक को सूंघ सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उंगलियां पानी के संपर्क में आने से संकुचित क्यों हो जाती हैं? या फिर पौधे जमीन से सारे पोषक तत्व कैसे ग्रहण कर लेते हैं? ये सारी गतिविधियां तत्वों के परिवहन से ही संभव होती हैं, जो कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा संभव है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसपोर्ट की इन तीन विधियों का इस्तेमाल करके कोशिका किस तरह से तत्वों को भीतर लेती हैं और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती हैं। वातावरण और कोशिका के बीच में होने वाले तत्वों का परिवहन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इस गतिविधि को और अधिक सुचारू रूप से करने के लिए अनेक जीवों ने विशिष्ट मैकेनिज्म को विकसित कर लिया है, जैसे हमारे फेफड़ों में उपस्थित एल्वियोली या पौधों में उपस्थित रूट हेयर या फिर किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन्स। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के किस दिशा में किस तत्व का विनिमय हो रहा है, ये निर्धारित करके हम पता लगा सकते हैं कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में से किस विधि का इस्तेमाल एक्सचेंज के लिए होगा। आइए सबसे पहले डिफ्यूजन की बात करें। एक केक की स्वादिष्ट महक पूरे कमरे में डिफ्यूजन के कारण ही फैल जाती है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर फैल जाते हैं। ये पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी केक की ओर से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि वातावरण में फैल जाते हैं। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के नीचे की दिशा में तब तक ट्रेवल करते हैं जब तक वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं। इस तरह गति करने के लिए तत्व का गैस या किसी तरल अवस्था में होना जरूरी है। डिफ्यूजन की सहायता से तत्वों का सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की तरफ एक्सचेंज संभव हो पाता है। डिफ्यूजन के द्वारा कोशिका के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर तत्व गति कर पाते हैं। फेफड़ों में होने वाला गैस एक्सचेंज या फिर एल्वियोली से रक्त में ऑक्सीजन का घुलना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली में वापिस आना डिफ्यूजन के बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण से पत्तियों में आना डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है, लेकिन ये गैस ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे शरीर का पचा हुआ खाना जैसे कि अमीनो एसिड्स छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ और वहां से रुधिर में डिफ्यूजन के द्वारा ही गति करता है। डिफ्यूजन एक स्वतः प्रक्रिया है, किंतु कई बार इसे करवाया भी जा सकता है। हालांकि डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही होगा, लेकिन कई बार स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स इस गति को कराने के लिए आवश्यक होते हैं। ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर गति करने के लिए स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से बहुत ही समानता रखता है, लेकिन ये सिर्फ जल में होता है। ऑस्मोसिस जल का सेल मेम्ब्रेन के भीतर या बाहर की ओर गति को कहते हैं। ये भी हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर गति करता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के नीचे की दिशा में। जल की यह गति अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संभव हो पाती है। जल के अणु रैंडमली गति करते हैं, इसलिए जल के अणु अंदर और बाहर की दिशा में गति करते रहते हैं, और ये गति तब तक होती रहती है जब तक साम्य की अवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। पौधों की जड़ों का पानी अवशोषित करना और छोटी आंत और कोलन के द्वारा जल का अवशोषण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है।